अस्सलामुअलैकुम, एमी फाउंडेशन स्कूल में खुशामदी। सेकेंड टर्म वीकली होमवर्क असाइनमेंट 15 क्लास की जीवन अमली मश सफा नंबर 62, 63, 66, 67, 68, 74, 75 फल और सब्जियों के नाम लिखें। उर्दू अमली किताब सफा नंबर 42, 45, 49, 50 आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 42 डेट मेंशन करेंगे। फलों के नाम पढ़ें और लिखें। पहले मेरे साथ आप पढ़ेंगे, अनार, आम, सेब, अंगूर, जैतून, अमरूद, केला, आलू। ऊपर देखें लिखा हुआ है, इसी तरह आप नीचे भी लिखेंगे। नून अलिफ ना रेसा किन अनार, इसी तरह आप नीचे भी लिखेंगे। अलिफ मद्दा मीम साकिन आम, इसी तरह आप नीचे लाइन में भी लिखेंगे। सीन ये बे से, इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। अब क्या लिखेंगे, अलिफ नून गाव वाव रे अंगूर, इसी तरह आपने नीचे की लाइन में भी लिखना है। अब क्या लिखेंगे, जे ये ते वाव नून जैतून अलिफ मी रे वावदार अमरूद का ये लाम अलिफ ला केला अलिफ मदा रे वाव लू आलू, इसी तरह आपने नीचे की लाइंस में भी लिखना है और आपका पेज नंबर 42 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 45 डेट मेंशन करेंगे। अब क्या है, सब्जियों के नाम पढ़ें और लिखें। इस पेज पे क्या दिए हुए सब्जियों के नाम, इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पालक, लौकी, गाजर, प्याज, आलू, मूली, मटर, अदरक। चले आप लिखेंगे। पहले पा लम का लग पालक, इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। अब क्या है, लम व लो काफ ये की लोकी, इसी तरह आपने नीचे लाइन में भी लिखना है। अब क्या दिया हुआ है हमें, गा फलिफ गा जीम रे जर गाजर, इसी तरह आप नीचे भी लिखेंगे। पे ये अलिफ या जे साकिन प्याज, इसी तरह आप नीचे भी लिखेंगे। अलिफ मद्दा लाम वाव लू आलू, इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। अब क्या लिखेंगे, मीम वाव मू लाम ये ली मूली, इसी तरह आप नीचे भी लिखेंगे। अब मीम टेमर टेरे टर मटर, नीचे भी लिखेंगे। अब क्या दिया हुआ है हमें लास्ट में, अलिफ दाल अद रेका रक अदरक, इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। इस पेज पे हमें क्या दिए हुए सब्जियों के नाम, आपने लिखने भी हैं और पढ़ने भी हैं। इस तरह आपका पेज नंबर 45 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 49 डेट मेंशन करेंगे। मद और पेश वाले लफ्ज अलग अलग लिखें। हमें क्या दिए हुए, कुछ पेश वाले लफ्ज दिए हुए और कुछ मद वाले लफ्ज दिए हुए, तो हमने इनको अलग करके लिखना है, इनको ढूंढ के लिखना है। ये कौन सी लाइन है, मद वाले लफ्ज की लाइन है और ये पेश वाले लफ्ज की लाइन है। अब हमने पहले क्या लिखना है, मद वाले लफ्ज हमें कहाँ नजर आ रहे हैं, ये देखें, अलिफ मद्दा मी आम, मद वाली लाइन में क्या लिखेंगे, आम, अलिफ मद्दा मीम साकिन आम। और कोई नजर आ रहा है आपको अलिफ मद्दा, ये देखें ये रहा अलिफ मद्दा पे अलिफ पा आपा। अब नीचे लाइन में लिखेंगे मद वाली, अलिफ मद्दा पे अलिफ पा आपा। इसी तरह आपने
इसमें से मध वाले लफ्ज ढूंढने हैं और मध वाली लाइन में लिखने हैं। इस तरह आपकी मध वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पेश वाले लफ्ज लिखेंगे। पे ला पेश पुल लिखेंगे पेश वाली लाइन में। पे ला पेश पुल, और आपको कोई नजर आ रहा है? ये रहा, ये देखें, गाव लाम पेश गुल। आप पेश वाली लाइन में लिखेंगे गाव लाम पेश गुल। इसी तरह आपने पेश वाले लफ्ज ढूंढ के पेश वाली लाइन में लिखने हैं, और इस तरह आपका पेज नंबर 49 कंप्लीट हो जाए। पेज नंबर 50 डेट मेंशन करेंगे, तीन हुरफी लफ्ज बनाएं। पेज नंबर 50 डेट मेंशन करेंगे, तीन हुरफी लफ्ज बनाएं। इसमें हमने क्या बनाने हैं? तीन हुरफी लफ्ज बनाने हैं। हमें ये कुछ अल्फाज दिए हुए, इनको हुरूफ के साथ मिला के तीन हुरफी अल्फाज बनाएंगे। अब क्या दिया हुआ है? बे अलिफ बा, इसके साथ कौन सा हुरूफ मिलाएंगे? ते बार, बे अलिफ बा ते साकिन बार। इसी तरह आप नीचे भी लिखेंगे। अब क्या है? पे अलिफ पा, इसके साथ कौन सा हुरूफ मिलाएंगे? काफ, पे अलिफ पा काफ साकिन पा। इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। अब क्या है? बेवा बो, इसके साथ क्या हुरूफ मिलाएंगे? लाम, बेवा बो लाम साकिन बोल। इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। दिया हुआ है काफ अलिफ का, इसके साथ कौन सा हुरूफ मिलाएंगे? नून, काफ अलिफ का नून साकिन कान। इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। मीम वाव मो, इसके साथ कौन सा हुरूफ मिलाएंगे? रे, रे को लिखें। क्या बन गया? मीम वाव मो रे साकिन मोर। इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। अब दिया हुआ है हमें ते वाव तो, इसके साथ कौन सा हुरूफ मिलाएंगे? रे, रे लिखेंगे। कौन सा लफ्ज बन गया? ते वाव तो रे साकिन तो। इसी तरह आपने नीचे भी लिखना है। अच्छा अच्छा काम करना है, और ये आपके बन जाएंगे तीन हुरफी अल्फाज। इस तरह आपका पेज नंबर 50 कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने क्या सीखा? सब्जियों के नाम लिखे भी हैं और पढ़े भी हैं, इसके साथ फलों के नाम लिखे भी हैं, उनको हमने पढ़ा भी है। साथ में हमने मत के लफ्ज और पेश के लफ्ज अलग अलग करके लिखे हैं, और हमने लास्ट में क्या किया है? हुरूफ को मिला के हमने तीन हुरूफी लफ्ज बनाए हैं। इस तरह आपका असाइनमेंट नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में। अल्लाह हाफिज।